नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए, जिसका साइज़ है 36 फीट बाई 36 फीट, छत के ढलाई तक का जो भी काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस घर के फ्रंट एलिवेशन की तरफ सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण किया गया है, उसके बारे में भी आप लोग को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करवाना है और कितना तक का आपका खर्चा है वो आ सकता है। तो देखिए, ये है घर का साइड व्यू, ये है बैक व्यू, उसके साथ दूसरा तरफ का जो साइड व्यू है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बताया अभी। तो चलिए घर के फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस घर का काम है वो किया गया है और कितना का खर्चा लगा है एक साथ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी इस घर के लिए विंडो है वो बॉक्स डिजाइन के साथ में यहाँ पर है वो रखा गया है। बॉक्स डिजाइन का विंडो आजकल ज़्यादातर लोग अपने घर में बनवा रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, आपको पता है कि नीचे में कुछ इस तरीके से स्लैब का कास्टिंग किया जाता है, जितना आपको निकालना है, ज़्यादातर लोग 3 से 4 इंच के आसपास तक निकलवाते हैं इसे। ऊपर वाला जब लिंटल का बीम करते हैं उसमें भी आपको ढलाई के साथ काम करना होता है, उसके साथ दोनों तरफ से आपको इस तरीके से ब्रिक वर्क है वो करवा लेना होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो देखिए, ये है घर का साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम है वो किया गया है। साथ में घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में आपको पूजा रूम और पोर्टिको भी देखने को मिलेगा। हालांकि उस घर का भी वीडियो मैंने आप लोग को पहले दिखाया हुआ था, बताया हुआ था कि किस तरीके से घर का निर्माण कराया जाता है पोर्टिको के साथ में और कितना का खर्चा आया है। दो घर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों घर में कुछ इस तरीके से पोर्टिको का निर्माण किया गया है। बहुत सारे लोग इस तरीके से पोर्टिको का निर्माण कराते हुए अपना घर का लुक आजकल बढ़ा रहे। तो कैसे काम किया गया, देखिए 36 फीट बाई 36 फीट में बना हुआ एक घर है। अगर स्क्वायर फीट की बात किया जाए तो आपका 1296 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 36 और 36 को गुना करेंगे तो। इसके साथ साथ एक सामने की तरफ 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का निर्माण में किया गया है, जहाँ पे तीनों तरफ से इस तरीके से आर्क शेप का निर्माण है वो किया गया है। ये कॉर्नर भी हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। 7 फीट की ऊंचाई पे घर का लिंटल बीम को रखा गया है, 10.5 फीट की ऊंचाई में घर का जो छत है उसका काम यहाँ पे किया गया है, इजिली आप इस तरीके से देख पा रहे हो। घर का सारा जो बाहर का दीवाल है वो 10 इंच के साथ रखा गया, अंदर का पार्टीशन वाल जो है वो 5 इंच के साथ रखा गया है। कॉलम का बात कर लीजिए तो जो भी इस घर का कॉलम है आप बाहर से अच्छे तरीके से समझ सकते हो, मैं बता देता हूँ, फिर अंदर भी चल के देखेंगे। 9 इंच बाई 9 इंच का सारा कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जिसमें 4 सिरे का इस्तेमाल है वो किया गया है। 12 mm का प्लास्टर के बाद ये 10 से 10.5 इंच के आसपास का साइज का कॉलम है वो हो जाता है। तो इस तरीके से बाहर से आप देख पा रहे हो। चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपको इस घर के लिए सामने की तरफ बना हुआ पोर्टिको नजर है वो आ रहा है। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये पोर्टिको में ऊपर में लाइट वगैरह, फैन, लाइट या फैन के लिए पॉइंट आप दिलवा सकते हो, जैसा कि यहाँ पे भी दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे इस घर का मेन इंट्रेंस हो गया। मेन इंट्रेंस का अगर साइज़ की बात कर लिया जाए, ये देख सकते हो, तो यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन गेट यहाँ पे आपको नज़र आता है, जहाँ पे डबल पल्ला के साथ आपको किया हुआ काम नज़र आएगा आने वाले दिन में। डबल पल्ला के साथ यहाँ पे जो गेट है उसका काम किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात और याद आ गया कि वोटिंग का अभी पता है माहौल चल रहा है, अगर आप वोट नहीं डाले हो तो आप डाल सकते हो। आज छुट्टी का दिन है और मैं आप लोग के लिए आज काम करने के लिए बाहर निकला हूँ, ऑफिस वगैरह सारा बंद है, मैंने अपना जो कर्तव्य है वो निभा दिया है। आप लोग भी जाइए और अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा तो आप लोग जरूर वोट दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम, उधर मिल जाता है आपको कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बाद उधर मिलता है आपको घर के लिए दूसरा रूम, उसके साथ इधर आपको मिल जाता है तीसरा रूम, यहाँ पर आपको मिल जाता है चौथा रूम, यहाँ पर आपको मिल जाता है घर के लिए किचन, इसके साथ यहाँ पे मिल जाता है सीढ़ी और यहाँ पे मिल जाता है आपको पूजा रूम। ये तो सिर्फ 36 फीट बाई 36 फीट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी बना लिया गया। एक अच्छा आइडिया आप ले सकते हो कैसे काम किया गया। देखिए, पोर्टिको के साथ जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, मेन एंट्रेंस थोड़ा और आ गया तो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देख सकते हो। इधर की बात कर लिया जाए, वहाँ पर आपको पहला रूम मिल जाता है, यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ, ये दूसरा रूम हो गया। उसके साथ साथ मैं वहाँ चल के दिखाता हूँ इस साइड का जो कंस्ट्रक्शन है, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। इधर का तो आपने देखा, देखे मेन एंट्रेंस में खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है पूजा रूम, यहाँ पे मिल गया सीढ़ी रूम, उधर मिल गया आपको इस घर के लिए किचन, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे 11 फीट बाई 12 फीट के आसपास का 3 रूम आपको देखने को मिलता है, इसके बाद कॉमन टॉयलेट बाथ, उसके बाद एक और यहाँ पर रूम आपको देखने को है वो मिल जाता है। तो 1, 2, 3, 4 रूम के साथ हॉल के साथ डाइनिंग एरिया,
किचन टॉयलेट बाथरूम के साथ में सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हाइट भी काफ़ी अच्छा रखा गया है, 10.5 फीट के आसपास का जो हाइट है, घर का फर्श का लेवल से लेकर घर का जो छत का लेवल है वो 10.5 फीट के आसपास में रखा गया। काफ़ी कंफर्टेबल हाइट यहाँ पे रखा गया है। 7 फीट ऊंचाई में लिंटल बीम का काम है वो किया गया। छत के ढलाई तक का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका है। सीढ़ी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूजा रूम है। यहाँ पे जो किचन का काम किया गया है इसको भी आप देख लीजिए, आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिएगा। ये डाइनिंग एरिया है इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ का यहाँ पे जो दरवाज़ा है वो रखा गया है किचन में। हालांकि किचन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखा गया, 8 फीट पर 9 फीट के आसपास का ये किचन है, जहाँ पे आपको एल शेप का किचन प्लेटफॉर्म मिलता है। इसके साथ साथ ऊपर में सिंक मिल जाता है, उसके साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे स्लैब वगैरह का काम है वो किया गया। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बनता हुआ घर का काम दिखाता हूँ, जो लगा हुआ खर्चा बताता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ। जैसे कि अगर आप इसी साइज का घर बनाते हो, अगर आप इसमें जो पार्टीशन 5 इंच का दिया गया है, अगर आप 10 इंच का देते हो तो फिर आपका खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ईंट लगता है। इसलिए सारा काम को दिखाता हूँ कि अंदर से किस तरीके से घर को बनाया गया, बाहर से किस तरीके से बनाया गया, कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना ज़्यादा आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लेते हो। चलिए मैं आपको बारी बारी से रूम में भी दिखा देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा कि कितना का खर्चा आया है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से 11 फीट पर 12 फीट का रूम है। इस रूम में आपको एक विंडो मिलता है, इस रूम में भी आपको दूसरा रूम में भी एक विंडो देखने को मिलता है। छज्जा वगैरह का काम यहाँ पे नहीं किया गया है, इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस घर में भी आपको रूम में भी एक विंडो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इधर आप जाते हो तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से रूम वगैरह का काम है वो किया गया है। सिंगल विंडो के साथ चारों रूम का काम है वो किया गया। आसानी के साथ आप देख सकते हो। छत का ढलाई का काम बहुत अच्छा, आप इसे नहीं बोलेगा बहुत ख़राब भी नहीं बोलेगा, काम चलाओ। यहाँ पर छत का ढलाई का जो फिनिशिंग है वो आया हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो। हालाँकि ब्रिकवर्क यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम में लाया गया, अच्छा ब्रिकवर्क किया गया है। एक और गलती मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जब भी मैं साइड पे जाता हूँ आप लोगों को जो अच्छा काम होता है उसके बारे में बताता हूँ, और जो गलती इन्होंने किया है मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना दोहराएं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो भी इस घर का सीढ़ी का काम किया गया है, सीढ़ी में आप देखेंगे तो बहुत सारी गलती आप यहाँ पर ईजिली देख पा रहे हो। सीढ़ी का साइज़ की बात कर लिया जाए तो लगभग 6.5 फीट बाई 13 फीट के आसपास का साइज में सीढ़ी बना हुआ है, और यहाँ पे तो लगभग काम चलाऊ काम है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो पूरा रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिख रहा है, स्टील दिख रहा है। कभी भी आप साइड विजिट में जाते हो और देखते हो इस तरीके से काम, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखिए जिनका भी घर बन रहा है उन्होंने अपना सारा जो पैसा है वो लगाया है, और मटेरियल वगैरह सारा चीज़ उतना ही लगता है, लेकिन सिर्फ मिस्त्री और ठेकेदार का कुछ गलती के कारण आप देखेंगे। थोड़ा नज़दीक ले जाकर चलता हूँ, हालांकि इस घर को बनाने में कितना का खर्चा लगा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे गलत काम हो। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सरिया, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, सारा सरिया का काम देख सकते हो। वहाँ पे सरिया, यहाँ पे सरिया, सारा सरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखिए इजीली आप इस तरीके से देख पा रहे हो, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से कास्टिंग का काम नहीं किया गया है। आप देख सकते हो ये झड़ने भी लगा। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो, कंक्रीटिंग ठीक से नहीं करते हो, तो दोस्तों आने वाले दिन में आपको गंभीर जो परिणाम है वो भुगतना पड़ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो, तो बिल्कुल गलत काम किया गया। कभी भी आपको ढलाई का काम करवाना है तो आपको वाइब्रेटर उसमें प्रॉपर यूज़ करना है। इसके साथ साथ जो कंक्रीट जब आप इसके लिए बनाते हो, जो मसाला है उसको बनाते हो, तो उसमें आपको पानी का भी ध्यान देना पड़ता है। आप M20 रेशियो है वो यूज़ कर लीजिएगा, M20, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और उसमें आपका कभी भी जब पानी की मात्रा सही रखते हो तो आपका जो ढलाई का काम है वो कभी भी इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारा रहता है कि बहुत देर तक मसाला बना कर रख देते हो, वो सूखने लगता है, उसके बाद में फिर जब आप बिना जो कंक्रीटिंग जब करते हो, बिना वाइब्रेटर का करते हो, या फिर बिना आप डंडा वगैरह के जो पोरिंग करते हो, तो इस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्ट्रोक उसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देख सकते हो पूरा सरिया इस तरीके से दिख रहा है, तो उतना मजबूत नहीं होगा, जबकि सारा मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ गलती के कारण किसी का इतना बड़ा नुकसान करना कहीं से भी सही आप उसको नहीं ठहरा सकते हो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ घर है। जो भी काम किया गया है मैंने आप लोग को बताने का अपने तरीक़े से कोशिश किया। फर्श वगैरह में मिट्टी डालने के बाद यहाँ पे काम को स्टॉप कर दिया गया है। मिट्टी बैठने के बाद में यहाँ पे ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, जो फर्श है उसका ढलाई वगैरह काम है वो कम्प्लीट किया जाएगा। सब तरह का इसी तरीके से काम है वो किया गया है। तो दोस्तों ये बनता हुआ घर का जो काम अब तक आपने देखा वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, आप देख सकते हो। एक और मेरा सजेशन रहेगा, काफ़ी बड़ा साइज़ का हॉल है, आप यहाँ पर इजिली आप देख सकते हो। लगभग 24 फीट बाई 11 फीट के आसपास का ये हॉल है, और यहाँ पे एक फ्लोर बीम यहाँ पे दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं कि फ्लोर बीम ही देते हो तभी आप फैन के लिए पॉइंट वो दे सकते हो, यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो फैन के लिए पॉइंट
लगभग लगभग जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा फैन है, दो फैन के साथ साथ लाइट यहाँ पे देना था, जबकि एक ही फैन के लिए पॉइंट यहाँ पे दिया गया। हो सके आने वाले दिन में एसी वगैरह लाने का प्लानिंग हो, तो अपने अनुसार आप काम कर सकते हो। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, जो आपका नीड है, जो आपका बजट है, उसके अनुसार आप काम करवा सकते हो। सामने की तरफ देखिएगा तो इस तरीके से विंडो का काम किया गया है, दो की संख्या में ये पोर्टिको वगैरह आप देख पा रहे हो। खर्च के बारे में बात कर लिया जाए तो इस घर को बनाने में लगभग 10.5 लाख के आसपास में खर्चा वो आ चुका है। काम आपके सामने है, 36 फीट बाई 36 फीट में बनता हुआ घर। स्क्वायर फीट अगर देखेंगे तो 36 और 36 को गुना करेंगे तो लगभग 1296 स्क्वायर फीट के आसपास में आ जाएगा। मान लीजिए राउंड फिगर में 1300 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर है, साथ में 10 फीट बाई 10 फीट का बनता हुआ पोर्टिको। टोटल अगर बिल्डर पर यह देखेंगे तो लगभग 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का ये घर है। तो दोस्तों इस तरीके से बनता हुआ घर अगर आप देखना चाहते हो बहुत सारा डायरेक्ट साइट से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो डायरेक्ट साइट्स में आपको दिखाता हूँ। इसमें गलत काम जो किया गया, जो सही काम किया उसके बारे में बताता हूँ, खर्च के बारे में बताता हूँ। मकसद ये है कि अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग करो तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाए दूसरा का बनता हुआ घर को देखते हुए, ताकि आप लोग को भविष्य में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस घर का काम जब आगे किया जाएगा, जैसे कि प्लास्टर होगा, पेंटिंग होगा, सारा काम आपके स्टेप पर आपको बताऊँगा। बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।